अखिलेश जी हमारे हैं उत्तर प्रदेश के हैं। डिप्टी सीएम को स्थूल मंत्री कहते थे, आज वो यही था। ये मतलब कम से कम हम लोग कुछ भी करते रहे, प्रदेश का प्रदेश में आवरू इज्जत एक दूसरे ही बनी रहेगी। दूसरी जगह जाकर बेइज्जती कराओ तो प्रदेश की बेइज्जती है ना उसमें। तो हम लोग तो इसमें बड़ा क्या बताएं। आखिरी सवाल कि अखिलेश जी ने कहा है, सपा के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सहकारिता उसमें सपा के लोगों को नामांकन भी नहीं करने दिया। देखो जब विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, तो अगर वो जीत जाते हैं तो ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक हो जाती है, हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। जिला पंचायत और अन्य चुनाव जब हारते हैं, नगर पालिका हारते हैं, तो ईवीएम खराब हो जाती है या नामांकन नहीं करने दिया था। कॉपरेटिव चुनाव होते हैं और उन्हें कहते हैं नामांकन करने करने दिया था, तो नामांकन नहीं करने के लिए तो 10 उसके अधिकारी प्रशासन के अधिकारी चुनाव आयोग सब कुछ स्थापित है। कितनी शिकायतें हुई, कहाँ FIR हुई कि नहीं करने दिया बताएं ना, तो उनकी जाँच करा लेंगे। हम लोग तैयार बैठे हैं, अगर कहीं ऐसा हुआ है तो DM को कितनी उन्होंने शिकायत करी कि हमारा नामांकन नहीं होने दिया। एक भी शिकायत कहीं नहीं हुई, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, पारदर्शिता से चुनाव हुआ है। लेकिन अब इनके पास कोई कहने को बचा ही नहीं, सारी सोसाइटियाँ सारा चुनाव पूरा जिनको गढ़ कहते थे वहीं साफ हो गए। उसी का तो परिणाम है से आगे हमें घरियाने का काम कर रहे हैं। हमें घरियाने तो क्या मिल जाएगा, उन्हें जनता की सेवा करें, जनता का काम करें, जनता के बीच जाएं, हम लोग कहाँ आपत्ति है। अब क्या माना जाए कि उनसे सामना नहीं हो पा रहा है तो आपको लेकर निशाना साध रहे हैं आपको? हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश जी को उनके अपने कामों से उन्हें विरासत में उत्तराधिकार में उत्तर प्रदेश की गद्दी मिली थी। पिताजी की विरासत थी, 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उनके अपने कारनामों से, उनके अक्षमता से, उनकी असफलता से, उनके जो भी अपना जैसा रहा, जनता ने जब 17 में कॉपी उनकी जांची तो उनको फेल कर दिया और पर्यटन पर भेज दिया। आज भी पर्यटन पर गए हुए, पश्चिम बंगाल में पर्यटन अभी कुछ दिन पहले कर रहे थे। 17 से 22 तक का तो उन पर झिल गया पर्यटन, लेकिन 22 से 27 वाला पर्यटन में अब वो पूरी तरह हताशा निराशा में डूब गए हैं और किसी के बारे में भी कुछ भी कहने के लिए बेताब रहते हैं। कभी वो आदरणीय केशव मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम साहब पर हमला करते हैं, कभी आदरणीय दूसरे हमारे डिप्टी सीएम साहब पर ब्रजेश पाठक जी पर हमला करने का काम करते हैं। अब उन्होंने नया मोर्चा एक हमारी तरफ भी मोर्चा खोल के तैयार कर दिया है। तो हम तो कहेंगे हमारा काम विभाग का पर्यटन कराना है, लेकिन ये वो चिंता जरूर करते रहे कि कहीं उनके परिवार घर और रिश्तेदारों में कोई पर्यटन करने को तो हमारे साथ ना आ जाए, वो अपनी चिंता किए रहे। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कमल खिलाने का, कमल की नीतियों पर रीतियों पर, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कार्यों के आधार पर, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के, और उत्तर प्रदेश में कानून का राज जिस तरीके से आदरणीय योगी जी ने स्थापित किया है उसको लेकर के पूरी जनता का विश्वास, अगाध श्रद्धा आदरणीय योगी जी के प्रति है। और उसी का परिणाम होगा कि 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम उत्तर प्रदेश से होगा और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पुनः देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का काम होगा। मंत्री अखिलेश यादव ने कहा, देखिए ये कभी वो सारस, कभी सूत्र, कभी मैनपुरी लोकसभा का चुनाव जो अभी चिन्ह जिता दिया, अब हताता निराता अब तक थी तो थी, उन्हें हताता निराता ये है कि उनके बहनोई हमारे साथ हैं, अनुजय प्रताप सिंह, सहकारिता के चुनाव हुए तो उसमें पत्ता साफ हो गया, कोई ढूंढने वाला नहीं, उनकी पार्टी का हता पता नहीं चल रहा इन जिलों में। तो इन जिलों में वो इन चीज़ों से हताश निराश होना स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं। तो उन्हें कष्ट न करें, हम लोग तो कहते हैं धैर्य रखें, संयम रखें और गंभीरता लाएं, यही मेरी नेक सलाह है उनके लिए। राजनीति में धैर्य और संयम रखना चाहिए। अब जनता ने अगर उनको पर्यटन पर भेज दिया है तो इंतजार करें, अब 27 तक का। ममता बनर्जी से मिलने गए हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव आ रहा है उससे डर लग रहा है उनको? अब ममता बनर्जी से मिलने गए थे क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का क्षेत्रीय दल, तो वहाँ क्या करने गए थे? और उसी का परिणाम था कि ममता दीदी के पास वो गए और स्टूडियो बिठा दिया। ये देखो ना कितना अपमान है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, शर्म की बात है। तो हम सबको हमारे नेता है वो अखिलेश जी को प्लास्टिक के स्टूल में बैठा दिए। मंत्री जी आपके द्वारा मैनपुरी जिले में कई सड़क और कई कानून लेकर निर्माण कार्य की तरफ से सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए पहले तो
अपने मैनपुरी के सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई इस बात की कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जनपद कार्यों के एग्जीक्यूशन में शीर्ष नंबर पाया है, फर्स्ट आया प्रदेश में कार्यक्रम क्रियान्वयन में, इसका मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद जन जन को मैनपुरी के, और साधुवाद यहाँ के प्रशासन को जिसने ये काम हम लोगों के सहयोग करने के लिए किया, बधाई आपको। और दूसरा, जहाँ तक अब एक साल कल उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरा हो रहा है, एक साल में किसी योजना को बनाने में उसको कार्य रूप देने में एक साल तक कम नहीं लगता। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि मैनपुरी को चाहे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधायक निधि, शासन की योजना, पर्यटन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री की तुरंत विकास योजना, इन सबका कार्यों की प्रगति सबसे प्राथमिकता पर मैनपुरी सदर को मिली है। इसके लिए भी आप सबको बधाई। और ये काम हम समझते हैं कि अगले एक दो महीने में तेजी से जमीन पर उतरने शुरू हो जाएंगे। कोई प्रक्रिया अंतर्गत है, कोई जमीन पर शुरू हो गया है, लेकिन दो तीन महीने में वो मूर्त रूप ले लेंगे काम, जिससे लोगों की विकास के कार्य होकर के आवागमन में उनकी जो समस्याएं थी समाधान हो सकेगा, और सुचारू रूप से विकास का लाभ मैनपुरी के ग्रामीण अंचल को, शहरी अंचल को, दोनों को मिल सकेगा। इसके लिए भी जन जन को बधाई, और बहुत बहुत मैनपुरी की जनता का अपना आभार कि जिन्होंने हमें प्रतिनिधि चुनने का काम किया था, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।